वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम आई एस ट्वेंटी अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्कलोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस में प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ी थी कि ऐसी कोई भी ग्रांट जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट ना हो उसे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कंसिडर किया जाता है तो इसकी प्रेजेंटेशन के दो मैथड हैं मैथड वन में हम ये करते हैं कि ग्रांट को इन अदर इनकम के तौर पर प्रॉफिट और लॉस में प्रेजेंट करते हैं तो अगर आपकी ग्रांट इमीडिएट रेकग्नाइज हो रही है तो सारे की सारी अमाउंट रेकग्ग्नाइज हो जाएगी अदरवाइज आप उसको डेफिट ग्रांट के तौर पर इनिशियल रिकॉर्ड करते हैं और बाद में ओवर द पीरियड प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड करना होता है तो प्रॉफिट और लॉस के अंदर जब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसे जिस लाइन आइटम में इंक्लूड करेंगे दैट वुड बी अदर इनकम तो फॉर एग्जाम्पल जब हमें रिसीव होगी ग्रांट या रिसीवेबल बन जाएगी जब हम इंटाइटल्ड हो जाएंगे तो कैश डेबिट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा दोनों में से कोई एक चीज और क्रेडिट कर देंगे हम डेफिट ग्रांट को जिसे हम लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं जब तक के वो प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा ना बन जाए तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा डेफिट ग्रांट को डेबिट करेंगे इसी अकाउंट को और ट्रांसफर करते जाएंगे अदर इनकम में इन द प्रॉफिट और लॉस तो जो सेकेंड एंट्री हमारी है ये एक से ज़्यादा बार भी पास हो सकती है फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट एंट्री है ये तो सिर्फ तब पास होगी जब हम रिसीव रहे करें, करेंगे या फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे लेकिन जो सेकेंड एंट्री है प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर ये मे बी तीन साल पाँच साल सात साल जितने पीरियड से रिलेटेड ग्रांट है उस हिसाब से ये एंट्री पास की जाएगी सेकेंड मेथड इसका ये है कि ग्रांट को उसके रिलेटेड एक्सपेंस में से डिडक्ट कर दिया जाए फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी ट्रेनिंग एक्सपेंस को करने की वजह से एक ग्रांट मिल रही है तो उसको रेलिवेंट ट्रेनिंग एक्सपेंस में से लेस करके ट्रेनिंग एक्सपेंस को नेट अमाउंट पर शो कर दिया जाए तो इसमें भी फर्स्ट एंट्री सेम ही है कि कैश या रिसीवेबल डेबिट होगा और डेफिट ग्रांट को क्रेडिट करेंगे और जब डेफिट ग्रांट को हम खत्म करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड तो उसे प्रॉफिट और लॉस में अदर इनकम के बजाय एक्सपेंस में क्रेडिट कर देंगे तो इस तरह से हमारा एक्सपेंस नेट बेसिस पर शो हो जाएगा सो so, अब इस दोनों मेथड्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं

रिक्वायरमेंट ये है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने अंडर बोथ मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ईयर एंड भी थर्टी फर्स्ट डिसम्बर है तो जब फर्स्ट टाइम थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को हमें ग्रांट रिसीव हुई तो उस टाइम पर तो हम इसमें से कुछ भी इनकम नहीं बना सकते क्योंकि इससे रिलेटेड अभी तक हमने कोई कॉस्ट इनकर नहीं की कॉस्ट हमने फ्यूचर में टू थाउजेंड ट्वेंटीड ट्वेंटी टू में इनकर करनी है सो so आंसर के लिए हम एक फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं तो मेथड वन जो है जिसमें हमने इसे अदर इनकम के तौर पर प्रेजेंट करना है उसमें यह होगा कि इनिशियली हम इस ग्रांट का सेवेंटी परसेंट जो नेक्स्ट ईयर में लगना है वो करंट लाइबिलिटी बना देंगे और जो ट्वेल्व मंथ्स के बाद लगना है थर्टी परसेंट उसको नॉन करंट लाइबिलिटी बना देंगे तो फिफ्टी थाउजेंड की ग्रांट को हम फिफ्टीन थाउजेंड यानी थर्टी परसेंट शो कर देंगे दिस वैल्यू इज थर्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में हम बाकी सेवेंटी परसेंट अमाउंट शो कर देंगे नेक्स्ट जब हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर होंगी तो टू हंड्रेड थाउजेंड की ट्रेनिंग कॉस्ट है उसका सेवेंटी परसेंट हमारा लगेगा टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में दैट इज वन फोर्टी थाउजेंड और थर्टी परसेंट लगेगा टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में दैट इज सिक्सटी थाउजेंड अब जो हमारी डेफिड ग्रांट है उसको हमने साथ के साथ इनकम भी बनाना है इनकम कैसे बनाना है कि सेपरेटली उसे अदर इनकम के तौर पर शो करेंगे उसका नाम आप ट्रेनिंग ग्रांट जस्ट ग्रांट लिख दें या गवर्नमेंट ग्रांट फॉर ट्रेनिंग लिख दें तो डिस्क्रिप्शन आप अपनी मर्जी की लिख सकते हैं जो भी उसको बेहतर एक्सप्लेन करे और आप अब जो आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की हुई थी उसको इनकम की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो थर्टी फाइव थाउजेंड जो ये अमाउंट है ये इनकम की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी जो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी थी वो करंट लाइबिलिटी बन जाएगी एक साल के बाद और नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपकी लाइबिलिटी है वो फिर फिफ्टीन थाउजेंड जो आएगी तो नेक्स्ट ईयर में आप उसको इनकम बनाएंगे दूसरी तरफ जो डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस है वो हमारा नॉन करंट में तो जीरो हो जाएगा करंट लाइबिलिटी में फिफ्टीन थाउजेंड आएगा और फिर जीरो हो जाएगा तो इस तरीके से आप डेफर्ड ग्रांट को करंट और नॉन करंट के अंदर भी शो करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिंपल डेफिनेशन के जो नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ से रिलेटेड है उसे करंट में शो करें और जो ट्वेल्व मंथ के बाद की उसे नॉन करंट में शो करें मेथड टू इसका यह है कि हमें नेट एक्सपेंस शो करना है तो इस मेथड के अंदर जो हमारा डेफर्ड uh, ग्रांट का कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहेगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा तो नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को हम मेथड वन की तरह ही प्रेजेंट करेंगे सिर्फ ये है कि हम प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो ट्रेनिंग कॉस्ट हैं उनको नेट वैल्यू पर शो करेंगे तो ट्रेनिंग कॉस्ट अब जो है हमारी वो नेट पर शो होंगी तो वन फोर्टी थाउजेंड माइनस थर्टी फाइव थाउजेंड वन जीरो फाइव थाउजेंड और इसी तरह से सिक्सटी थाउजेंड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड की हमारी ग्रांट शो हो जाएगी तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो दोनों प्रेजेंटेशन मेथड इफेक्टिवली सेम इंपैक्ट है उनका प्रॉफिट और लॉस पे तो ये प्रेजेंटेशन का फर्क है इसमें रिकिग्नेशन या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एस सच फर्क नहीं है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स इसके अंदर भी हमारे पास दो मैथड्स हैं जो आई एस ट्वेंटी अलाउ करता है मैथड वन हमारे पास है कि क्रेडिट द ग्रांट करते हैं तो वेरी फर्स्ट एंट्री जब आप एकट को एक्वायर करेंगे तो आप एसेट को डेबिट करेंगे कैश या पेबल को क्रेडिट कर देंगे जब आपको ग्रांट रिसीव होगी या रिसिवेबल बनेगी तो उसका कैश या रिसीवेबल डेबिट करेंगे और डेफिट ग्रांट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जैसा कि यहां पर बताया उसके बाद आपने एसेट को नॉर्मल वे में डेप्रिशिएट करना है जैसे आप एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं नो इम्पैक्ट ऑफ ग्रांट ऑन द डेप्रिसिएशन और देन आपको जो ग्रांट रिसीव हुई थी उसको भी आप सेम बेसिस पर प्रॉफिट और लॉस के अंदर अमोर्टाइज करते जाएंगे सो so ये मेथड वन है और इसके अंदर हमारी जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की एंट्रीज होती हैं ये बार बार हर साल पास हो रही होंगी मैथड टू है जिसमें हम ग्रांट की अमाउंट को डिडक्ट कर देते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिलेटेड एसेट से यानी एसेट को ग्रांट जो की अमाउंट लेस करके नेट अमाउंट पर शो कर रहे होते हैं तो इसके अंदर जब हम एसेट परचेज करते हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट होता है और जब ग्रांट रिसीव होती है तो सेम एंट्री डेबिट साइड पर है लेकिन क्रेडिट पर हम कोई डेफिड ग्रांट अकाउंट नहीं बनाते बल्कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को ही क्रेडिट कर देते हैं इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो कम वैल्यू पर शो होता है तो फिर हम जब उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो नेट वैल्यू पर चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री वही होगी डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट और अक्यमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट लेकिन ये डेप्रिसिएशन अब नेट अमाउंट के ऊपर चार्ज हो रही होगी तो ऑटोमेटिकली सेम इम्पैक्ट आ जाएगा जैसे कि मैथड वन में आया था इन दोनों मैथड्स को अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं example 2 on 1st january 2021 abc limited acquired a plant at a cost of 600 million and received a grant of rupees 60 million on the same date plant is to be depreciated on straight line basis over its useful life of 3 years and rupees 120 million residual value प्रिपेयर स्टेटमेंट एक्सट्रैक्टर बोथ मैथड प्रेस एर एंड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर है तो पहले हम डेफिड ग्रांट अकाउंट मैथड को फॉलो कर लेते हैं तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो अपने एसेट को शो करना है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हमारा जो एसेट है वो सिक्स हंड्रेड की कॉस्ट पर शो होगा इस एसेट के ऊपर अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 600 हंड्रेड माइनस वन की रेजिडल वैल्यू डिवाइड बाय थ्री इयर्स हमारे पास एक साल की डेप्रिसिएशन 160 आ जाएगी और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल में डेप्रिसिएशन की अमाउंट इक्वल होगी अब हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम एज अ डेप्रिसिएशन को एक्यमिलेटेड डेप्रिसिएशन के तौर तो पर एसेट में से कम कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में वन ही है नेक्स्ट ईयर में ये डबल होकर थ्री ट्वेंटी हो जाएगी और थर्ड ईयर में फोर इस तरह से हमारे पास एसेट की नेट वैल्यू फोर टू एटी एंड वन ट्वेंटी आ जाएगी अब ग्रांट की बारी आती है तो ग्रांट हमें जो रिसीव हुई है दैट इज सिक्सटी मिलियन जिस तरह से हमने एसेट को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट किया हम ग्रांट को भी स्ट्रेट लाइन बेसिस पर ओवर थ्री इयर्स ही जो है अमोटाइज करेंगे और प्रॉफिट और लॉस में इनकम बनाएंगे तो सिक्सटी की ग्रांट मिली थी तीन साल में ट्वेंटी ईच ईयर हम उसको इनकम बनाते जाएंगे और जो बाकी अमाउंट जितनी इनकम नहीं बनी वो हमारी लाइबिलिटीज़ में शो होगी जो नेक्स्ट वन ईयर से रिलेट करती है उसको हम जो है करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे और बाकी अमाउंट को नॉन करंट लाइबिलिटी में शो करेंगे फर्स्ट so ईयर के एंड पर फोर्टी की टोटल लाइबिलिटी बाकी थी क्योंकि ट्वेंटी की इनकम बन चुकी थी फिर ट्वेंटी की और इनकम बनी तो ट्वेंटी की बाकी बच गई और जब थर्ड ईयर में सारी इनकम बन चुकी थी तो देर वॉज नो अमाउंट लेफ्ट इन द डेफिट ग्रांट अकाउंट जो कि हम लाइबिलिटीज में शो करते अब सेकेंड मैथड फॉलो करते हैं जिसमें हम कॉस्ट ऑफ एसेट में से डिडक्ट करेंगे सो so, इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले हमने एसेट को जो रिकॉर्ड करना है तो वो ग्रांट लेस करके रिकॉर्ड करना है तो 600 में से हमने 60 की ग्रांट लेस करके 540 पर एसेट रिकॉर्ड किया अब एसेट को 540 की बेसिस पर डेप्रिशिएट करेंगे 120 की रेजिडल वैल्यू है और थ्री ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 140 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल 140 की ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी इस बेसिस पर डेप्रिसिएशन ले लेते हैं वन फोर्टी ईयर में मिलाकर टू और थर्ड ईयर में फोर और हमारे पास एसेट 400, 260 एंड 120 का शो होगा अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह प्रॉफिट और लॉस के अंदर अगर आप इंपैक्ट देखें तो वो दोनों मेथड्स में इफेक्टिवली सेम है सिर्फ ये अगर हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो फर्स्ट मेथड है उसके अंदर डेप्रिसिएशन और इनकम सेपरेट शो हो रही हैं जबकि प्रॉफ जो सेकंड मेथड है उसके अंदर ये नेट होकर शो हो रही है इसी तरीके से फर्स्ट मेथड के अंदर एसेट और ग्रांट सेपरेट शो हो रही हैं जबकि सेकंड मेथड में वो इंपैक्ट एसेट के अंदर ही नेट हो रहा है जाकर तो इफेक्टिवली मेथड्स आर सेम जस्ट प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है कि आपने अलग अलग लाइन आइटम में शो करना है या उसको नेट करके शो करना है देन प्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास डिस्कलोजर का एरिया है तो जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है आई एस ट्वेंटी की उसमें यह है कि फॉलोइंग मैटर्स शेल बी डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट अब अकाउंटिंग पॉलिसी तो स्टैंडर्ड एक ही अलाउ करता है कि हम प्रॉफिट और लॉस में रेकग्नाइज करें ओवर द पीरियड करें इंक्लूडिंग द मैथड ऑफ प्रेजेंटेशन अडॉप्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब मैथड ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो एंटिटीज का डिफरेंट हो सकता है जैसे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम को अदर इनकम में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सपेंस में से भी नेट कर सकते हैं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को आप जो है वो एसेट में से भी लेस कर सकते हैं और सेपरेट डेफर्ड ग्रांट अकाउंट भी बना सकते हैं तो प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी अकाउंटिंग पॉलिसी तो वही है कि हमने प्रॉफिट और लॉस के अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसको चार्ज करना है इसके अलावा रिक्वायरमेंट है कि हम नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट बताएंगे जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेकग्नाइज़ की हैं तो सिर्फ उनकी अमाउंट्स नहीं बतानी या पॉलिसी नहीं, नहीं बतानी आपने ये भी बताना है कि कितनी अमाउंट टोटल है उसकी नेचर क्या है किस वजह से हमें ग्रांट मिली है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेकग्नाइज कर रहे हैं और इसके अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस जो जिनसे एंटिटी को डायरेक्टली बेनिफिट हुआ हो तो उनकी भी एक इंडिकेशन देनी है इनकी आपको एक यानी उतनी ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है लेकिन इंडिकेट जरूर करें ताकि ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए इसके अलावा आपकी जो अनफुलफिल्ड कंडीशन है या अर कंटीजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट असिस्टेंट्स जिसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में ग्रांट भी शामिल है तो जो उनसे रिलेटेड आपकी अनफुलफिल्ड कंडीशन और कंटीजेंसीज हैं जिनको आपने रेकग्नाइज़ किया हुआ गवर्नमेंट ग्रांट्स को तो उनसे रिलेटेड आप ये पॉइंट्स भी बताएंगे कि ये ये कंडीशन अभी हमने फ़िल करनी है ये ये क्राइटेरिया भी हमारा मीट होना बाकी है सो दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हैव अ गुड डे